वेरी बिग हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैसा बचाने के छह ऐसे तरीके जिससे आपको ये पता चलेगा कि बहुत आसान तरीके से किस तरह से पैसे बचाए जाएं एंड हाउ टू बी रिच। ये तरीके आपको सुनने में थोड़े अजीब जरूर लग सकते हैं, अगर आप वाकई पैसे बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, पैसे की परेशानी से जूझ रहे हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे नहीं बच पाते किन्हीं कारणों से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे टाइम से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बींग अ वूमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप ये है मेरी प्यारी सखियों, जब भी आपके पति आपके हाथ में लाकर सैलरी दें, आपके पास पैसे आए या किसी भी तरह से आपके पास पैसे आ रहे हैं किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से, चाहे आपके खुद के पैसे हैं या आपके हस्बैंड आपको दे रहे हैं, उसको जो है खर्चा करने से पहले भगवान के मंदिर में रख दीजिए एक रात। उससे आपको बहुत ज़्यादा जो इनर पावर मिलेगा, उस पैसे के अंदर एक बरकत आएगी और उसको आप एक आपके अंदर एक चीज डेवलप होगी कि इसको सोच समझकर ही खर्च करना है, इसको फिजूल खर्ची के अंदर कहीं पर भी यूज नहीं करना है। जो पैसे हम भगवान के चरणों में पहले रखते हैं ना, वो उसके अंदर अपने आप ही एक बरकत आती है और उससे हमारी आस्था जुड़ जाती है। ये एक मतलब एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको इस चीज से मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आपको इससे जरूर फायदा मिलेगा। आज से ही अपनी जिंदगी का एक रूल बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि पैसे आपके पास कहीं भी आज से आ रहे हैं, किसी भी सोर्स से आ रहे हैं, पति की जो महीने की सैलरी आ रही है वो आ रही है, या कोई भी और किसी भी सोर्स से पैसे आ रहे हैं आपके पास में, आपकी खुद की कमाई है, आप कुछ एक्स्ट्रा काम करती हैं उसके पैसे आ रहे हैं, सबसे पहले उस पैसे को भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए, उसको रखे रहने दीजिए वहां पर, और उसके बाद ही नेक्स्ट डे उसको निकाल लीजिए और फिर सोच समझ कर ही खर्च करिए कि उसको किस जगह पर सही जगह पर लगाना है, ऐसा करके देखिएगा। जब आपको मैं सेकंड पॉइंट के बारे में आपसे बात करूंगी तो आप ये बोलेंगे कि एक तरफ तो मैं पैसा ही बचाने की बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ खर्चा भी हो रहा है। तो मेरा फ्रेंड्स आपसे एक सवाल है, जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी नीडी की, किसी गरीब की, क्या आपको खुशी मिलती है? जवाब यस में ही है। हमें अगर गरीबों की मदद करने से खुशी मिलती है, ये जो खुशी है ये आपके बचत को और आपके बचत करने की आदत को बिल्कुल दुगना कर देगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो हम कभी कुछ थोड़ा बहुत भी हिस्सा अपनी कमाई में से, अपनी बचत में से अगर दान दे देते हैं ना, तो मेरा मानना है कि वो आपको दुगना होकर के मिलता है। तो एक आदत बना लीजिए कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, गरीबों को दान देने के लिए जरूर से निकालिए। और जरूरी टिप है, नो एक्सपेंस डे। कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि वो अगर आप जैसे कोई भी पेमेंट के लिए जाता ही नहीं, आज गुरुवार है आज पैसे नहीं दूंगी, आज मंगलवार है आज पैसे नहीं दूंगी, वीक में एक दिन आप ऐसा अपना नियम बना लीजिए, चाहे वो गुरुवार हो या मंगलवार, उसको आप उस दिन कोई भी खर्चा मत करिए। नो एक्सपेंस डे मीन्स नो एक्सपेंस, उस दिन आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। हफ्ते का एक दिन अगर आप रखती हैं इसी तरह, चाहे वो गुरुवार हो या मंगलवार, जो भी आप डिसाइड करना चाहें, जो भी आपको कन्वीनियंट हो उस दिन, बट ऑब्वियसली आप कोई खर्चा नहीं करेंगी। अगर आप सपोज करिए इसी तरह से एक वीक के अंदर एक दिन ऐसा रखेंगी तो महीने में 4 दिन आप कोई भी जो है खर्चा आपसे नहीं होगा। महीने के 4 दिन खर्चा नहीं करने का मतलब जानती हैं? साल के 36 डेज कोई खर्चा नहीं करना मीन्स मोर देन अ मंथ। तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपेंस है, आपका जो खर्चा है, वो इससे कम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, योर मनी इज योर्स, लेकिन केवल हफ्ते में एक दिन ना खर्चा करने की आदत आपको अननेसरी एक्सपेंस से बचा लेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कि आपको कोई जरूरी एक्सपेंस आ जाता है उस दिन, सपोज करिए आपको आपकी कार में डीजल खत्म हो जाता है, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो आप वो भी नहीं भरवाएं, वो आप कर सकती हैं। मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करेंगे उस दिन, जैसे कि बिना फालतू के कपड़े खरीदना, बिना फालतू की परचेजिंग, अननेसेसरी ग्रॉसरी शॉपिंग, या फिर जिस भी खर्चे को आप टाल सकती हैं जो कि आपकी नजर में गैर जरूरी है, जिसके बिना काम चल सकता है। और इसी तरह से महीने के एंड में और साल के एंड में आप देखिए, केवल एक दिन पैसा नहीं खर्च करने की आदत से आपकी काफी सारी बचत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज,
परचेज ओनली विद कैश। अब आप कहेंगे, सोचेंगे ये चीज कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कैशलेस ट्रांजेक्शन पर जोर दे रही है, पर माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आप मानकर चलिए, आपने ये चीज खुद ने पर्सनली नोटिस की होगी, जब से कैशलेस ट्रांजेक्शन का, प्लास्टिक मनी का यूज, एटीएम, डेबिट कार्ड, यूपीआई, लाइक आप फोन पे, जी पे, पेटीएम, अमेजोन पे, यूपीआई, ये सब कुछ चीजें बढ़ी हैं, तब से एक्सपेंसेस कम नहीं हुए हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हैं। देखिए, एक साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है। आप अपने पर्स से, अपने वॉलेट से अगर नोट निकाल के देती है ना, तो एक खर्चे का, एक एक्सपेंस का एक पेन होता है कि पैसा जा रहा है पास से। लेकिन वही पैसा जब आपके बैंक अकाउंट से जाता है, यूपीआई के थ्रू जाता है, तो आपको वो पेन फील नहीं होता। उसी कारण आपसे ज्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि अगर आप पर्सनली नोट से ले रहे हैं तो आप, हो सकता है कोई एक दो आइटम कम लेंगे, लेकिन जिस समय आप क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं, डेबिट कार्ड से ले रहे हैं, या फिर यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, आप जिस समय भी आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी परचेजिंग जो है वो ज्यादा होगी। तो ये आदत बना लीजिए अपनी कि हमेशा जो परचेजिंग है, ज्यादातर कोशिश करिए, कोशिश रखिए ये चीज कि कैश से ही करनी चाहिए। जो आपके वॉलेट में पैसे हैं उन्हें ही खर्च करिए। ज्यादा इमरजेंसी हो तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वो मीठा खर्चा है कि जिसका बिल अगर आप बाय द वे टाइम से भरना भूल जाएं, तो इतना अच्छा वाला, कई कई बार तो मैंने देखा है 30 से 40% तक ब्याज बैंक वसूल लेते हैं, और छोटी सी गलती के कारण। क्यों आप ये चीजें भुगतते हैं? बेटर है कि अपनी आदत बना लीजिए कि 100 रुपए हैं तो 20 रुपए बचा कर रखिए, 80 रुपए में से कैसे तैसे खर्चा चलाइए, और कोशिश करिए कि जो भी पेमेंट्स आपको करने हैं ना, उनको कैश से करें। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट और ज्यादा कैशबैक के लालच में हमारी जो खरीदारी होती है ना, वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। इनॉर्मसली हम सोचते नहीं है कि हमको ये चीजों की जरूरत थी, लेकिन हम जब घर पे लेके आ जाते हैं, तब पता चलता है कि इस चीज की ऑलरेडी पड़ी है, या इसके बिना काम चल सकता है। सरप्लस इकट्ठा करने की आदत फ्रेंड्स बंद करनी होगी, तभी आप एक अच्छी वाली बचत कर सकते हैं। कैश से खरीदारी की आदत के साथ साथ एक और आदत बना लीजिए कि जब आप, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि जब भी आप खरीदारी करके घर लौटते हैं, तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कैश बचता है कॉइन्स की फॉर्म में, उसको, उसके लिए एक पिगी बैंक खरीद लीजिए, और उसे आज से ही पिगी बैंक में डालने की आदत बना लीजिए। क्योंकि वो भी एक ऐसा सम है जो आपके पास धीरे 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 इकट्ठा होता चला जाए, और कभी कभी कॉइन्स और छोटे नोट के साथ कोशिश कर रखिए कि बच जाए तो कोई बड़ा नोट भी उस पिगी बैंक में डाल दीजिए मंथ के एंड में। और जब आप देखेंगे ना कि आपको लगेगा हर एक महीने इसी तरह से आप करते जाएंगे, साल के अंत में जब आप उस पिगी बैंक को लाइक कैश करेंगे, तो आपको पता चलेगा एक अच्छी खासी बचत आपने कर ली है, मेरी प्यारी सखियों। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपैरिजन करने की आदत से बचिए। कहीं भी जाती हैं आप, शादी में जाती हैं, किट्टी पार्टी में जाती हैं, हमेशा लेडीज की नजर इसी चीज पे रहती है, किसने कौन सा सेट पहन रखा है, किस तरह की साड़ी पहन रखी है, कौन सा सूट पहन रखा है, या किस तरह की ज्वेलरी पहन रखी है, कैसे फुटवेयर पहन रखे हैं, और कैसे वॉलेट, बैग्स, पर्सेस कैरी करें। में इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप देखने के बाद में आपके अंदर ये जिज्ञासा होती है, जागृति होती है, लालच होता है कि ये चीज लेनी है मुझे। लेने के चक्कर में वो, देखिए वो, ये लालच ऐसा लालच है ना, देयर आर सम नीड्स विच आर नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, चलता रहेगा, और अल्टीमेटली आपकी वार्डरोब्स भर जाती हैं, फिर आपको समझ भी नहीं आता कि कहीं जा रहे तो उसमें क्या पहने। और जहां आपके पास लिमिटेड वैरायटी एलिगेंट ड्रेसेस रहेंगी, ओकेजन वाइज, पार्टी वेयर अलग, ऑफिस वेयर अलग, डेली वेयर अलग, लाइक आप जब समय सुबह योगा एक्सरसाइज करते हैं उसके अलग, स्लीप वेयर अलग, रखिए सब कुछ, लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से, जब कुछ मिला, जहां कुछ मिला, जहां कैशबैक मिला, जहां ट्रांजेक्शन आपको लगता है, जहां आपको प्रमोशनल ऑफर्स अच्छे लगे कि ये अच्छा मिल रहा है, एक नहीं दो ले लेती हूँ, दो नहीं चार ले लेती हूँ, मत करिए चीज। और शॉपिंग एप्स, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको दे दूंगी उसका लिंक आई बटन में, देखिएगा कि कुछ जो एप्स हैं, शॉपिंग एप्स हैं, लाइक फूड ऑर्डरिंग एप्स हैं, कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो जबरदस्ती हमसे नोटिफिकेशन भेज के खर्चा करवा लेते हैं। आप मूड में नहीं हो उस दिन खर्चा करने के, लेकिन आपके पास कोई ऑफर आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं आज तो मंगा लेते हैं, ये इतने पैसों की जगह इतने में आ रहा है, हो गई आपकी परचेजिंग। उसी तरह से सेम चीज कपड़ों में, अरे ये सूट इसका रेट परसों तो 3,500 था, आज इसका रेट 2,000 है, और हो सकता है उसका एक्चुअल रेट वही होगा जो आपको दिख रहा है, वही होगा, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन इन प्रमोशनल सेल्स, प्रमोशनल ऑफर्स और स्ट्रेटेजीज के चक्कर में आप फंस जाती हैं, और एक अच्छा खासा खर्चा कर बैठती हैं, जिससे कि आपका घर का बजट जो है हिल जाता है।
तो इन आदतों को रोकना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अच्छी खासी पैसे की बचत करना चाहती हैं तो मेरे इन मनी मैनेजमेंट रूल्स को ध्यान में रखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वूमन। बाय बाय।